राज्य में 52 दिन के बाद 1000 से कम कोरोना पॉजिटिव, 977 नए संक्रमित मिले, 2403 लोग ठीक हुए। तूफान ने रास्ता बदला, रात भर भीगता रहा शहर, हवा में सहरन आज भी छाए रहेंगे बादल। राज्य में ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के 2 मरीज मिले, रिम्स में चल रहा इलाज। नदियों का जलस्तर बढ़ा, सनरेखा के जलस्तर में 3.5 मीटर और खरकाई नदी में 4 फीट की वृद्धि। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार पहले से ही धीमी, अब आंकड़ों को लेकर भी कंफ्यूजन। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रघुवर दास होंगे अपराधिक अभियुक्त, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी होगी जांच। बीसीसीएल बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, मुनिडी से मीथेन गैस निकालकर बाजार में बेचेगी बीसीसीएल। यास चक्रवात के कारण मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन के शुभारंभ का कार्यक्रम स्थगित, रांची से होनी थी शुरुआत। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश, धनबाद के SNMMCH में 50 बेड के PICU में, हर बेड पर चाहिए एक नर्स, गंभीर मामलों में 2 की जरूरत। गोमो स्टेशन पर बिछ रही बैलास्ट ट्रैक, 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी ट्रेनें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।